इतना कड़वा बोलने लगा है? मोहब्बत की मिठास शायद इनसे रूठ गई है, हो सकता है इसलिए। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? येमा, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। जब ये सब कुछ खत्म हो जाए तो आप आ जाइएगा, ठीक है? चलो शफक। बाबा, मैंने मामा से कहा था कि मैं उनके साथ जाऊंगा, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। शाहान, हादी को तो इसका बाप कौन है? हाँ, मैं हूं ना हादी का बाप, तो मैं फैसला करूंगा ना कि किससे मिल सकता है और किससे नहीं। चलो हादी, चलो तुम भी। शाहान, बात तो शाहान, आ जाइएगा आप भी। मेरे बगैर तो तेरा एक दिन भी नहीं गुजरता था, फिर कैसे तूने 5 दिन गुजार दिए मुझसे बात किए बगैर? इतनी आसानी से भुला दिया अपने खाला को, बता एक बार भी तुझे ख्याल आया कि तेरी बूढ़ी खाला कैसे रहेगी, कैसे जिएगी तेरे बगैर? कभी ना सोचा तूने? सोचा था, एक बार नहीं बार बार सोचा था खाला, लेकिन हर बार मेरी सोच एक जगह पर आकर रुक जाती थी कि माएं तो औलाद को छोड़ के कभी नहीं जाती, वो तो औलाद की परछाई होती है। मेरा आप मुझे छोड़ के कैसे चली गई? उल्फत, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? तू अपने बेटे का साथ क्यों दिया? एक बार तो वापस आती, कसम खुदा की आपके पांव पकड़ लेती, लेकिन आपको कभी ना जाने देती, लेकिन आपने तो मुझे काबिल नहीं समझा ना।